सवाल वैसे पूछे मैं बताऊंगा बाद में। मैं तो हमेशा ही रेडी हूँ, एवर रेडी, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि लैला मजनू की कहानी आ रही है, एंड लोगों के पास ये मौका है कि जिस कहानी के बारे में इतना सुना है, उसकी झलकें देखी हैं, वो आकर के थिएटर में देखें। और मेरी ये रिक्वेस्ट सब लोगों से है, मीडिया से खास करके, कि फिल्म देखने वालों को बढ़ावा दीजिए कि वो जाके थिएटर में फिल्म देखें। उसके बारे में बातें करना ही काफ़ी नहीं होता ना। हमारी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। ऑफ कोर्स हम, मैं जिस स्कूल में था उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे एंड हमें बहुत खुशी होती थी उन्हें देखकर। मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ नाच गा सकूं, और अगर इफ़ दे लुक अप टू मी बाय एनी वे, अगर उन्हें दे इंजॉयड दिस, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी किसी और बात से नहीं होगी। बहुत अच्छा रहा। कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता था कि हम उस साइड होते थे और हम ऐसे ही सवाल जवाब कर रहे होते थे, और आज इस तरफ आने का मौका मिला तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा सेशन था हम लोगों का, बच्चों के साथ मज़ा है, बच्चों के। जी जी, अगर ये आज यहाँ पर है कि आपकी वजह से, नहीं कोई ऐसा प्रिविलेज या प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है, जिस मतलब जिससे जो होता है होता है। आई थिंक दे इन दोनों ने बहुत ही अंदर जा कर के एक्टिंग की है, जैसे एक्टिंग होनी चाहिए, सुपरफिशियल तरीके से नहीं किया है। और साजिद ने जिस तरह से इनको डायरेक्ट किया है, वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द फिल्म। एंड मुझे हमेशा लगता है कि एक्टर्स को
स्टूपिड नहीं होना, मतलब डीप होना चाहिए थोड़ा, और जिस डेप्थ के साथ इन लोगों ने वो लाइटनेस भी रखी है, इट्स वेरी क्रेडिटेबल. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दीज टू न्यू पीपल दैट आर कमिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. काफ़ी एक्साइटेड है हम दोनों ही, और वेट कर रहे हैं कि कब फिल्म बाहर आए और कब आप लोगों को देखने का मौका मिले, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी. तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा फिल्म देखने के बाद आपसे कब मुलाकात हो. मैं जानना चाहूँगा आपको कैसे लगेगी. आई होप पीपल अप्रिशिएट द फिल्म, हमने बहुत मेहनत की है. 7 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, खुशी होगी अगर सबको पसंद आए तो. आर के, हाँ हाँ, यार मुझे लगता है कि राज कपूर जी, उनकी फिल्में और वो स्टूडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. मुझे बहुत दुख होगा अगर ऐसा हो जाए. जब उसमें आग भी लगी थी कुछ दिन पहले, बहुत मुझे बुरा लगा था, मगर वक्त भी बदलता है, वो भी एक मजबूरी होती है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते. मगर वो एक बहुत कल्ट जगह है. मुझे याद है जब मैं गया था आपके इंटरव्यू से पहले, मैंने बहुत सारी सेल्फीज़ खिंचाई थी कि मैं, हाँ, कि मैं आर के स्टूडियो आया हूँ, जिसके बारे में इतना पढ़ा, इतना सुना, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में उसके बारे में. तो दुख की बात है, बट समय भी चलता है यार, मजबूरी होती है. 7th of September लैला मजनू तुम भी देखना और तुम कहना कैसी लगी फिल्म, ठीक है ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू.